तो दोस्तों फाइनली आप लोग अगर गल्फ कंट्री शॉपिंग मॉल में आना चाहते हैं 2024 में, तो ये गुड न्यूज़ आपके लिए है कि एक जगह में इंटरव्यू होने वाला है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये कैश काउंटर अकाउंटेंट शॉपिंग मॉल में आना चाहते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। जो लोग भी कह रहे थे कि भाई मुझे गल्फ कंट्री में शॉपिंग मॉल में दुकान में यानी सुपर मार्केट में जॉब करनी है एज एन कैश काउंटर अकाउंटेंट जॉब, और भी सारे जॉब है, आप इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं और इसके इंटरव्यू होने वाले हैं, काफ़ी इंटरव्यू होने वाला है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए एडमिशन बताने वाला। सो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच किया, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दहसी ब्लॉग पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फाइनली आप लोग कह रहे थे कि भाई मुझे सऊदी अरबिया जाना है, दुबई जाना है, कतर जाना है, ओमन जाना है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि भाई कोई वीज़ा है कि नहीं, तो आप वीज़ा की यानी जॉब की वैकेंसी आ चुकी है इंशाल्लाह, इसको इंटरव्यू 18 तारीख और 20 तारीख को होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है इंशाल्लाह मैं सब कुछ डिटेल के साथ में बताने वाला हूँ। और ये शॉपिंग मॉल के लिए, खास करके शॉपिंग मॉल जॉब के लिए जो लोग भी आना चाहते हैं 2024 में, और ये खास करके मेल के लिए, फीमेल के लिए नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या क्या मैं बता दूँ कि आपका वो एक अकाउंटेंट जॉब भी है, इसमें कैशियर, सेल्समैन, आपका कुकिंग के जितने भी बेकरी के काम होते हैं यानी सवरमा से लेकर ए टू जेड इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए और क्या आपको रिज्यूम बनाना चाहिए और क्या सीवी होनी चाहिए। क्या अगर आप लोग को ये वीडियो में मालूम हो जाता है तो आप लोग सब कुछ तैयारी करके इंशाल्लाह फिर आप जब यहाँ पे जहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है वहाँ पर जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं, और इंशाल्लाह इंटरव्यू में पास होने के बाद आप लोग गल्फ कंट्री में शॉपिंग में आप लोग जॉब कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल द हंसी ब्लॉग को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक भी नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। और कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह इसके आंसर देने की कोशिश करूँगा। और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे भी कहा था कि भाई ये फ्रॉड बता रहा है, कोई जॉब की वैकेंसी नहीं है या तो इस तरह का जो सैलरी नहीं होती है। तो दोस्तों आप लोग के लिए गुड न्यूज़ ये है कि इंशाल्लाह जो मैंने कहा था कि मैं इंशाल्लाह गुड न्यूज़ लेके आने वाला हूँ कुछ दिन के बाद, तो फाइनली वो आ चुका है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको अकाउंटेंट की जॉब के लिए क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, क्या क्या एज होनी चाहिए, ठीक है, आप लोग को जानना जरूरी है। क्योंकि अगर आप लोग जहाँ इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पर एटलीस्ट आप लोग को सबसे पहले अच्छा सा सीवी बना लीजिए, ठीक है। आप अकाउंटेंट जॉब के लिए आपको AMA.com, ठीक है, IT सपोर्ट स्टाफ, BCA 3 इयर्स का डिप्लोमा आपका होना चाहिए कोर्स, ठीक है। 3 इयर्स का अगर डिप्लोमा कोर्स क्या हुआ है तो आप इस जॉब में आप लोग इंटरव्यू देख सकते हैं। और एज की लिमिट है आपका 30 साल, यानी 30 साल होनी चाहिए मैक्सिमम, ठीक है, एज आपको 30 साल होना चाहिए, ठीक है, अकाउंट जॉब के लिए। दूसरी जॉब है सेल्समैन और कैशियर। सेल्समैन और कैशियर की आपके इसमें +2 क्वालिफाइड होनी चाहिए, ठीक है, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अगर 2 साल का आपका एक्सपीरियंस है तो आप इस जॉब में इंटरव्यू दे सकते हैं। यहाँ एज की बताया गया कि 20 साल से 28 साल के आने वाले जो भी है, आप लोग सोचते हैं कि भाई मेरा साहब 20 साल है, 20 से 28 साल के अंदर, ठीक है, आपकी एज होनी चाहिए। इसमें आप लोग सेल्समैन और कैश काउंटर की जॉब में इंटरव्यू दे सकते हैं, आप लोग हासिल कर सकते हैं, ठीक है। +2 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अगर आपके पास डिग्री है, सर्टिफिकेट, आप लोग CB में बना लीजिए, ठीक है, अच्छा सा, और वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आप जा सकते हैं। और उसके बाद हो गया आपका कुकिंग, कुकिंग में आपका हो जाएगा शवरमा, ठीक है, और बेकरी का काम जैसे कि हो गया आपका चिकन रोल, एग्स हो गया, ठीक है, ये सब आपको, फिश मॉन्गर भी हो गया, ठीक है, टेलर भी हो गया, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, इलेक्ट्रिशियन काम हो गया। इसकी एज होती है 23 से 35 एज होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं इन सब के बारे में बताता हूँ कि अगर आप लोग सोचते हैं कि भाई मैं एज एन सेल्समैन जाना चाहता हूँ या तो कैश काउंटर में जाना चाहता हूँ गल्फ कंट्री में, ठीक है, ये गल्फ कंट्री लेवल गल्फ कंट्री में चाहे लुलू मार्केट में, ठीक है। और ये जॉब के मैं बता दूं कि ये लुलू मार्केट में होने वाला है ये इंटरव्यू, और इंटरव्यू जो है कि आपको मैं बता दूंगा इंशाल्लाह कब होने वाला है और कहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो पहले मैं बता चुका हूँ कि 18 तारीख को होने वाला और 20 तारीख को, और लोकेशन में आपके तक शेयर कर दूंगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ रहेगा, आप लोग वहाँ पर फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं कि भाई इस जॉब के लिए क्या हम लोग को इंटरव्यू मिलने वाला है कि नहीं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही बता हूँ कि ये सब थोड़ा बना लीजिए, क्योंकि जब वहाँ पे आपको इंटरव्यू में पूछा जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप उससे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह उसके आंसर देने की कोशिश करूँगा। जो लोग भी कमेंट करेंगे मेरे को कि हाँ भाई मुझे जाना है, तो एटलीस्ट मुझे वो डॉक्यूमेंट्स यानी शेयर करें, वो लिस्ट जो मुझे मिला है जानकारी के, भाई यहाँ पे एक मेरे को दोस्त ने भेजा व्हाट्सएप में कि भाई यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है, आप थोड़ा सा बोल दीजिएगा। तो मेरा काम था बोलने, क्योंकि बहुत सारे दोस्त लोग उम्मीद लेकर बैठे हैं कि भाई एटलीस्ट मुझे हम लोग को फ्री वीज़ा भी मिलने वाला है, ठीक है, यहाँ डायरेक्ट फ्री वीज़ा मिलेगा कंपनी में, डायरेक्ट लुलू सुपर मार्केट में आपको लोग को मिलने वाला है। एक चीज़ में बता देना, तो डायरेक्ट फ्री वीज़ा मिलेगा। अगर आपके पास ये सब का एक्सपीरियंस है
2 साल का 3 साल का अकाउंटेंट जॉब का, तो आप लोग इसमें शामिल कर सकते हैं और इस जॉब को फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे दोस्त लोग उम्मीद लेकर बैठे थे कि भाई मुझे जाना जाना है, तो फाइनली मुझे ये काम आया है, अब तक मैं सौंप रहा हूँ। अब आप लोग जाइए, इंटरव्यू दिए और वहाँ पर पास होकर आप गल्फ कंट्री में आ सकते हैं। इसमें दुबई, कतर, बहरीन, ओमान कहीं के भी ये शॉपिंग मॉल मिल जाएंगे आपको, और यहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हैं। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं ये सब कोर्स कर लीजिए। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं जान दूंगा पूरा कॉन्टैक्ट के साथ, नंबर के साथ, और कहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो इंटरव्यू अगर आप लोग जानना भी चाहते हैं तो मैं बता दूँ कि ये इंटरव्यू केरल में होने वाला है। अब कहाँ पर होने वाला है मैं कल इंशाल्लाह है तो परसों नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूंगा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए और क्या क्या आपका होना चाहिए, ठीक है। आप लोग कुछ वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर भी रहेगा, आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर में फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि क्या क्या चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये थी जानकारी दोस्तों। वीडियो पसंद है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप लोग शेयर नहीं करते, शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये शेयर करने से किसी का भला हो। कोई जो लोग यानी एटलीस्ट बोलते हैं मैं 6 साल का एक्सपीरियंस हूँ, मैं कैश कंट्रोल में जॉब करना चाहता हूँ, अकाउंटेंट जॉब करना चाहता हूँ, कुकिंग का काम आपका शावरमा का हो गया वगैरह वगैरह, आप लोग जो काम होना है अगर आप लोग सोचते हैं कि मैं मुझे भरपूर नॉलेज है ये इसके बारे में मैं बता दिया हूँ, तो आप लोग इसमें बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं इस जॉब में। इस जॉब के लिए आपको जाना है, तैयारी कर लेना, ठीक है, मैं जो बताया हूँ। तो दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।